गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमने करना है लेसन नंबर 9 के प्रश्न उत्तर करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे छोटे क्वेश्चन आंसर। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखने हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं। आपने लिखना है जीवन में मुश्किलों से वही लोग पार जा पाते हैं जो मुसीबतों और रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाते, उनका साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं। ठीक है बेटा, आगे हैं। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे। आपने उत्तर देना है, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी लोग इसलिए हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, उनके शरीर में 8 वक्र थे, मतलब 8 जगह से मोड़, मतलब जैसे कि मुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे हमारा, राजा जनक और दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए, मतलब क्यों उनके सामने शर्मिंदा हो गए, क्यों उनके सामने उन्होंने सिर झुकाया। आपने बोलना है, अष्टावक्र की ज्ञान विद्या के कारण राजा जनक और उसके दरबारी को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। ठीक है बेटा, आगे है हमारा, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की थी। आपने बोलना है, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराध्या में काव्य रचना की, क्योंकि जो सूरदास जी थे श्री कृष्ण के उपासक थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है बेटा, आगे हम पेज फोल्ड करते हैं अपना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम काफी, हाँ जी, आपका जयसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखो। आपने लिखना है पद्मावत। ठीक है, आगे है, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रकाशित प्रमुख धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया था। आपने बोलना है, रविंद्र जैन ने रामायण में संगीत दिया। ठीक है, आगे है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। आपने बोलना है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है बेटा, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। आपने बोलना है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, महाराज रणजीत सिंह ने किस आयु में लाहौर पर अधिकार किया। आपने बोलना है, 19 वर्ष की आयु में। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया। ठीक है, आपने लिखना है इसका, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री 1971 में तथा पद्म भूषण सन 1980 ईस्वी में दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं आपको मुहावरे करवाऊंगी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम मुहावरे करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है, मुहावरों के अर्थ और वाक्य बनाओ। ठीक है, आपने सबसे पहले देखना है घुटने टेकना। घुटने टेकने का मतलब होता है हारना। ठीक है, जैसे कि दुश्मनों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिया, मतलब जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने भारतीय सेना के साथ जब मुकाबला किया तो बड़ा ज़बरदस्त किया और मजबूरन उनको हारना पड़ा। क्या किया फिर दुश्मनों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, इसके बाद है सिर ना झुकाना, मतलब किसी के आगे हार ना मानना। जो साहसी लोग हैं वो कभी भी मुसीबतों के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। ठीक है, इसके बाद हमारा है दांत खट्टे करना। इसका है अर्थ क्या है, बुरी तरह हराना। आपने लिखना, भारतीय जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद हमारा है लोहा मनवाना, जय जयकार करवाना। महाराज जीत सिंह ने अपनी शक्ति और बल से लोगों में लोहा मनवाया। ठीक है, आगे है हमारा 5th क्वेश्चन, थर थर कांपना डरना।
शेर को देखकर रवि थर थर कांपने लगा। फिर है हमारा सैमन, बुलंदियां छूना तरक्की करना। सुरेश अपनी मेहनत से बुलंदियां छू रहा था। ठीक है बेटा, अब मेरे ख्याल में इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हमें जल्दी जल्दी से रीड कर लेने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा। इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। राजा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनक के दरबार में जब सभी अष्टावक्र को देखा हंसने लगे तो उसने क्या कहा? आपने उत्तर देना है, अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास कम नहीं होती, फूल की पंखड़ियाँ के टेढ़े होने पर उसकी मिठास कम नहीं होती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल जो है दूषित नहीं हो जाता। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जैसी को क्यों सम्मान दिया? जब शेरशाह ने जैसी के एक आंख और कान ना होने पर उसकी हंसी उड़ाई तो जैसी ने कहा कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार, कुम्हार मतलब भगवान पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन 3rd, थॉमस एडिसन ने ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित क्यों हो गए हो जाते थे, मतलब क्यों हैरान हो जाते थे कि उसे, आपने लिखना इसका आंसर। लोग आश्चर्यचकित इसलिए हो जाते थे, हैरान इसलिए हो जाते थे कि जो व्यक्ति खुद स्वयं सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लिखना है इसका 4th क्वेश्चन है, लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? आपने बोलना है, लुई ब्रेल द्वारा बनाई लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह है, मतलब कागज पर उभरे हुए निशान है जिन्हें स्पर्श कर लोग पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे उभरे हुए निशान है कागज पे तो उसको स्पर्श करके छू कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है 5th क्वेश्चन, बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान है? ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा क्वेश्चन, आप बुक में से देख लेने। तो हमने आंसर लिखा है, बाबा आमटे अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज से त्यागे जिनको समाज जो है वो नहीं अपनाता था उनकी सेवा करने लगे। ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा से आनंद वन आश्रम के अनेक कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर मेहनत करके अपना जीवन बसर करने लगे। बाबा आमटे का समाज सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आगे है हमारा प्रश्न नंबर 6, भारती सिपनर रजिंदर शेखर का चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान है? आपने बोलना है, भारतीय सिपनर चंद्रशेखर एक हाथ से पोलियोग्रस्त थे, मतलब उनके हाथ को हाथ जो था पोलियो हुआ हुआ था, वह किंतु वह इसी हाथ से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजी को पैविलियन पहुंचा देते थे, बहुत दूर तक पहुंचा देते थे। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7199 रन देकर क्रिकेट किया, विकेट किया। ठीक है, इतना अच्छा वो खेलते थे। ठीक है बेटा, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर, हम लिख लेते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन हम अपनी कॉपी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राणा सांगा और महाराजा जीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, आपने आंसर देना है, राणा सांगा की वीरता और साहस से बड़े बड़े जो शासक थे खामते थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा जीत सिंह ने केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है बेटा, इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, पेशावर और मुल्तान आदि पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भाग्य सवरता नहीं सवारना पड़ता है, इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं? आपने आंसर देना है, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं
सबरता पर के वह परिश्रम आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय से बदला जाता है। ठीक है बेटा, इसके लिए हमें लगातार कठिन परिश्रम मतलब मेहनत करनी पड़ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हमें इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारा जो लेसन नंबर 9 है इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मुहावरों को वाक्यों में बदलो और उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है। मोस्टली इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट हैं और आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ो और लिख के देखो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन डालेंगे इसमें। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। टेक केयर।